फ्रेंड्स, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चने की चाट विद आलू। सबसे पहले इसमें हमने एक आलू लिया है, उसको दो पीस में काट लिया, इसको बॉईल करके रखा हुआ है। और ये ग्रीन चने हैं, हमको रात को भिगो के बॉईल कर लिया है। और ये टमाटो है, ऑनियन, और ये गाजर है जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है, हरा धनिया, रवा, सूखा धनिया, हरी मिर्च, मीठी चटनी, ये ग्रीन चटनी है, नमक, ड्राई मैंगो पाउडर, और ये चिली, जीरा, ब्लैक सॉल्ट, और ये गरम मसाला है, और ये चाट मसाला। इन चीज़ों का हमने लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को मैश कर लेंगे। इसमें जितना रवे की आवश्यकता होती है उतना हम डालेंगे, अंदाज से 2-3 स्पून होता है, जब तक ये सॉलिड इसका डम नहीं, वो टेक्सचर सॉलिड ना हो जाए, जब तक हम डालेंगे इसमें। अभी इसमें और रवे की जरूरत होगी। ऐसे करके देख लेना है कि ये टिक्के अच्छे से बन रही है, तो समझो कि अभी जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा और डालना है। ये हमने डाला, अभी हम इससे मसाला मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये आप टेस्ट के अनुसार डालना, ड्राई मैंगो पाउडर और नॉर्मल सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर बनाया है हमने। वो शायद हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया, अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसे मालूम पड़ जाएगा आपको। ये पहले मैंने चाट मसाला बोला था, पर ये जीरा पाउडर है, और इसमें थोड़ा धनिया, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। अभी हम ये चने बनाएंगे। अभी हम ये चने बनाते हैं, ग्रीन चने जो हमने बॉईल करके रखे हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच, 2 स्पून भी नहीं है, 1.5 स्पून है। इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, जीरा होने को आया, अभी इसमें हम थोड़े ऑनियन डालेंगे, बाकी इतना ऑनियन हम ऊपर से गार्निश के लिए रखेंगे। हाफ टमाटो डालेंगे, इतना हम गार्निश के लिए अलग से रख रहे हैं।
अभी इसमें थोड़ा केचप मिक्स करेंगे। अच्छे से सॉटे करेंगे केचप डालने के बाद। गैस को फुल फ्लेम पर रखेंगे। मसाला मिक्स करेंगे अभी। धनिया पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, नॉर्मल सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, भुना जीरा, गरम मसाला और थोड़ा ब्लैक पेपर। थोड़ा सा पानी डालेंगे अच्छे से मिक्स करने के लिए। और इसमें हमने रेड और ग्रीन चटनी का भी यूज किया है। अगर इसकी रेसिपी आपको देखना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में देखिए। इसमें अभी हम चने मिक्स करेंगे। मिक्स करके 2 मिनट उसको बनने के लिए रखेंगे। 2 मिनट के लिए कवर करके अभी हम चेक करते हैं चने हो गए क्या। हाँ, अभी अच्छे से बन गए। ये मिक्स हो गया मसाला सब। अब इस चने को हम इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा वॉश करके इसी में ही हम टिक्की बनाएंगे। इसको हमने वॉश कर लिया, गर्म करने के लिए रख दिया है। छोले को हम साइड में रखते हैं। कवर करके अब इसकी हम टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लगाएंगे जिससे कि वो चिपके नहीं। 2 बूंद हमारा ये रवा भी और आलू भी अच्छे से फूल गए हैं। इसकी टिक्की रेडी हो गई है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं टिक्की को, जो आपको पसंद हो, बड़ी छोटी पतली। चार टिक्की बन गई। एक आलू में, बड़े पोटैटो में 4 टिक्की बन जाती है।
अभी इसको हम सैलो फ्राई करेंगे। हम चेक करेंगे कि तेल हमारा गरम हुआ कि नहीं। हाँ, तेल हमारा गरम हो गया। इसको हम निकाल देंगे जो डाला हुआ है थोड़ा। गैस को एकदम स्लो कर देंगे और हम टिक्की डाल देंगे। पलट देंगे इसको। बहुत अच्छी बनती है टिक्की। आप है ना, अगर चने भी नहीं है तो आप खाली टिक्की को भी केचप चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। जैसे कभी बारिश से मूड है तो आप टिक्की बना के भी खाली खा सकते हो चटनी के साथ। थोड़ा सा मीडियम करेंगे फ्लेम को। डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, सैलो फ्राई, नॉट डीप फ्राई। ऐसे चने जो बनाए हैं ये बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 3-4 दिन तक, खराब नहीं होते हैं। अभी देखो हमारी टिक्की कितनी अच्छी दिख रही है, अच्छे से ब्राउन हो गई है। खाने में भी बहुत क्रंची होती है ये। इसको अभी हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। अभी हमारी टिक्की रेडी हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। गैस को ऑफ कर दिया है। अभी हम चाट बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पहले थोड़े से चने डालेंगे। पुट लिटिल चने, देन 2 टिक्की, लिटिल चना, मीठी चटनी, कर्ड, कर्ड आपको और डालना है तो और डाल सकते हैं, हरी चटनी, आप चाहें तो इस पे ऊपर से बूंदी भी डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, लिटिल भुना जीरा पाउडर, हरा धनिया,
टमेटो जो हमने थोड़ा बचाया हुआ था, और इसके ऊपर हम करेंगे गाजर, और आप चाहें तो इसमें मूली का किस्प भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है मूली का किस्प, और चॉप किए हुए ऑनियन, एंड देन ऊपर से फिर मीठी चटनी थोड़ी सी। ये हमारी चाट रेडी होगी। हमारी हरे चने की विद आलू चाट तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगती है चाट। थैंक यू।